अजमेर के रामगंज थाने में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल किशन सिंह ने बताया कि सुभाष नगर नारीशाला निवासी रूपचंद्र पुत्र लालाराम और अमित गढ़वाल पुत्र सुरेश गढ़वाल ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी देते हुए किशन सिंह ने बताया कि पीड़ितों द्वारा शिकायत दी गई है कि मनीष गहलोत निवासी मंडोर जोधपुर ने RBI का चीफ जनरल मैनेजर बताकर बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर इन लोगों से रुपए ऐंठे हैं। अब ना तो मनीष गहलोत के द्वारा इन्हें नौकरी दी जा रही है और ना ही इनके पैसे इन्हें लौटाए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत रामगंज थाने में दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दूसरा यही जो न्यायालय से प्राप्त है परिवादी है रूपचंद सनोप लालाराम जाति माली निवासी नारीशाला के पास सुभाष नगर अजमेर, और तीसरा है ये अमित गढ़वाल सनोप सुरेश गढ़वाल जाति गढ़वाल माली उम्र 40 साल निवासी नारीशाला के पास। इन्होंने भी ये मनीष गहलोत ये रहने वाला है नागौरी बेरा मंडोर जोधपुर, इसके खिलाफ रिपोर्ट दी है कि ये मनीष गहलोत अपना आपको RBI का चीफ जनरल मैनेजर बताकर बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर इन लोगों से धोखाधड़ी करके रुपए ऐंठे हैं, और नहीं तो रुपए नौकरी लगाइए और नहीं वापस रुपए दे रहे हैं। आपका नाम? किशन सिंह, हेड कांस्टेबल पुलिस थाना रामगंज अजमेर। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKB News, सच्चाई की वापसी।